करनाल के सामान्य अस्पताल के ईएनटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम ने एक चुनौतीपूर्ण सफल ऑपरेशन किया है, जिसको करने से कई डॉक्टर इनकार कर चुके हैं, लेकिन डॉक्टर घनश्याम ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी टीम के साथ करीब 2 घंटे के समय में इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक किया। अब मरीज बिल्कुल स्वस्थ है और अस्पताल प्रशासन द्वारा उसे छुट्टी भी दे दी गई है। आपको बता दें कि कैथल के हाबड़ी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की गर्दन पर भारी भरकम ट्यूमर था, जिसके चलते उसे गर्दन को मोड़ने और हिलाने डुलाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। कई जगह दिखाने के बाद भी जब मरीज को आराम नहीं मिला तो उसे किसी ने करनाल के सामान्य अस्पताल में आने की सलाह दी, जहां डॉक्टर घनश्याम ने उसका पूरी तरह से चेकअप किया और लोकल एनेस्थीसिया के माध्यम से उसका ऑपरेशन किया। अब मरीज और उसके परिजन बिल्कुल संतुष्ट हैं और डॉक्टर का धन्यवाद करते नहीं थक रहे। मरीज के बेटे ने कहा कि यहां आकर पता चला कि डॉक्टर वास्तव में भगवान का स्वरूप है। सर भाऊजी, आप एक बात बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? के आपका नाम? दर्शन लाल। आपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दिखाया था? दिखाया। तो उन्होंने कितना खर्चा बताया था इस ऑपरेट का? ये इनका बेटा है, ये बताओ। हाँ जी सर, ये आपके फादर साहब हैं, आपने इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दिखाया था? दिखाया। उन्होंने कितना खर्चा बताया था? कम से कम 1 लाख। और यहाँ पर कितना खर्चा आया? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं आया। और अब ये बिल्कुल बेहतर फील कर रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। जैसे जैसे मतलब कि अब यहाँ पर आने से पहले जो इनको ट्यूमर था गर्दन में, इससे इनको क्या तकलीफ हो रही थी? आप तो इनके घर पर, इनके बेटे हैं, इनके साथ ही रहते हैं। हाँ जी। इनको क्या तकलीफ हो रही? इसके सिर में दर्द होने लगता था जी, फिर सिर में दर्द और दर्द होने लगा था। आप हाबड़ी से यहाँ आए हैं, आपको यहाँ आने की सलाह किसने दी थी? वो लड़का है हमारे गांव में, वो डॉक्टर था, उन्होंने दी। अब जिन डॉक्टर साहब ने आपके पिताजी का सफल ऑपरेशन किया, आपके पिताजी की गर्दन अब झुक सकती है, मुड़ सकती है, इधर सिर में दर्द भी खत्म हो गया, जो बीमारियाँ थी वो खत्म हो गई, अब आप डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, भगवान के बाद डॉक्टर को ही दर्जा दिया जाता है। इस कहावत को या इस वाक्य को चरितार्थ करके दिखाया है हमारे करनाल के सामान्य अस्पताल के ईएनटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम जयवर्धन ने। मैं आपको बता दूं कि इनके पास एक ऐसा मरीज आया था जिसकी गर्दन पर इस जगह पर ट्यूमर था, जिसके कारण वो काफ़ी पीड़ा को झेल रहा था। पिछले काफ़ी लंबे समय से वो जगह जगह धक्के खा रहा था, जगह जगह इलाज के लिए भटक रहा था। निजी अस्पतालों में जहाँ वो गया वहाँ पर उसको इलाज का इतना खर्चा बताया कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन जयवर्धन, डॉक्टर घनश्याम जयवर्धन ने और उनकी टीम ने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के सफल ऑपरेशन के बाद उसको उस पीड़ा से निजात दिलाया है। आखिर क्या थी वो समस्या, आखिर क्यों वो व्यक्ति परेशान था? कैथल जिले के हाबड़ी कस्बे का वो रहने वाला था, वो करनाल पर आया था। किसी के कहने बताया ये भी जा रहा है कि उस व्यक्ति से जब हमने बात करने का प्रयास किया था तो उसने हमें बताया था कि उसने, किसी ने उसको रेकमेंड किया था कि आप करनाल में जाइए और उस डॉक्टर से मिली। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से उसको ऑपरेशन किया गया, जिस तरह से उसकी सफल इंजरी की गई है, वो अब वो बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है। पहले ऑपरेशन से पहले उसकी गर्दन को में मूवमेंट नहीं थी, उसे ज़बरदस्त पीड़ा सहन करनी पड़ती थी, उसको उठने बैठने में भी तकलीफ थी, गर्दन को घुमाने फिराने में भी तकलीफ थी, लेकिन इलाज के बाद अब वो फिलहाल यहाँ से जा चुका है, डॉक्टर साहब ने उसकी छुट्टी कर दी है। आखिर उसको क्या समस्या थी, क्या गंभीर समस्या थी और क्या था? डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपके पास एक पेशेंट आया था कैथल जिले के हाबड़ी कस्बे का, उसको क्या समस्या थी बताया ये भी जा रहा है कि उसको ट्यूमर था, वो किस तरह का ट्यूमर था और कहाँ पर उसको ट्यूमर था? वो मरीज कैथल जिले से आया था हमारे पास एक गांव से, उसकी उम्र कोई 60-65 साल थी और उसकी गर्दन में यहाँ पीछे की तरफ एक काफ़ी बड़ी रसोली थी, काफ़ी बड़ी गांठ थी। जनरली हम गांठों के ऑपरेशन करते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गांठ और गर्दन के इस हिस्से पे होना, उसकी वजह से वो मरीज अपनी गर्दन को नॉर्मल तौर पे यूज़ नहीं कर पा रहा था, ऐसे नहीं घुमा पा रहा था, गर्दन ट्यूमर बढ़ता जा रहा था तो उसकी गर्दन झुकती चली जा रही थी। और क्योंकि वो 60 साल से ऊपर का मरीज था तो नेचुरली उसको और भी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, उसकी वजह से दर्द रहने लग गया था। तो इसलिए वो मरीज किसी से पूछ के फिर वो यहाँ पे आया था, और यहाँ आने के बाद फिर हमने उसको ऑपरेशन के लिए हमने प्लान किया, लेकिन हुआ क्या कि उसका बीपी बढ़ जाता था, 60 साल से ऊपर का मरीज था, कुछ एंग्जाइटी की वजह से कुछ उसका वैसे भी बीपी बढ़ा हुआ था, तो हमें उसमें थोड़ी दिक्कत आई। तो वो पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया के लिए सूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि बीपी हाई था। तो अंततोगत्वा हमने निर्णय लिया कि मरीज की हालत को देखते हुए हम इसे लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। तो मैंने और हमारे जो स्टाफ नर्स हैं सिस्टर कीर्ति, हम लोगों ने लोकल एनेस्थीसिया में उसे किया और परमात्मा की कृपा से काफ़ी अच्छे से वो हो गया। मरीज भी संतुष्ट है, मरीज भी सही है, आपने देखा ही है उसे पोस्ट डिस्चार्ज, और अब वो अच्छे से अपना काम कर पा रहा है। तो काफ़ी संतुष्टि देने वाला ऑपरेशन था ये।
डॉक्टर साहब, जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया में हम क्या डिफरेंस कर सकते हैं? जनरल एनेस्थीसिया में ऐसा होता है कि मरीज को हम पूरी तरह से, एनेस्थेटिस्ट जो है मरीज को पूरी तरह से बेहोश कर देता है, उसके बाद उसकी सभी श्वास प्रक्रिया और हृदय सब कुछ एक तरह से आप समझिए कि मशीन के द्वारा संचालित होते हैं, उसको फिर एनेस्थेटिस्ट ऑपरेशन के बाद वापस होश में लाता है। उस दौरान मरीज को कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लोकल एनेस्थीसिया में जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे उस मरीज के यहाँ रसोली थी तो हमने यहाँ यहाँ का हिस्सा सुन कर दिया, मरीज को पूरा पता चल पा रहा था क्या हो रहा है कौन क्या बात कर रहा है। और इसका फ़ायदा यह था कि हम लोकल एनेस्थीसिया कारण उसका बीपी भी कंट्रोल में रहा और मरीज को हमने ऑपरेशन के 3 घंटे बाद ही मरीज खाने पीने लग गया और इमीडिएटली तुरंत बाद ही वो अच्छे से बोल पा रहा था, सब कुछ सबसे बातें कर पा रहा था, तो इसका ये फ़ायदा हुआ। सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मुझे पता है कि लोकल एनेस्थीसिया काफ़ी चुनौतीपूर्ण एनेस्थीसिया होता है और लोकल एनेस्थीसिया के दौरान ऑपरेट करना उससे भी बड़ी चुनौती होती है, तो सर आपने उस चुनौती को स्वीकार कैसे, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा होता है कि मरीज की जान पर बन जाती है, ओटी का ना ऑपरेशन का नाम सुनते ही मरीजों को फोबिया आ जाता है, जैसे कि आपने बताया कि उनकी उम्र भी 60 साल से अबव थी, तो इस एज के अंदर बीपी का होना स्वाभाविक हो जाता है और दूसरा से ऑपरेशन का जो था डर, जो ऑपरेशन का जो फोबिया था वो भी उनके मन में जरूर रहा होगा। दूसरा, आपने लोकल एनेस्थीसिया की चुनौती को स्वीकार करके सफलतापूर्ण जो ऑपरेट किया। सर, अगर हम बात करें अब रसोली की, तो जो ट्यूमर उनके आपने जो निकाला है वो कितना वजन था? उसका वजन कोई 350-400 ग्राम का वजन था उसका। और जहाँ तक बात आपकी लोकल एनेस्थीसिया की, देखिए बात यह है कि दोनों ही तरह के एनेस्थीजिया मरीज की सहूलियत के लिए, डॉक्टर के कार्य को सरलता से करने के लिए बनाए गए हैं। समस्या क्या थी कि इस मरीज का बीपी हाई हो जाता था, बीपी हाई हो जाता था तो एनेस्थीजिया उसको जनरल एनेस्थीजिया दिया नहीं जा सकता था, क्योंकि वो जिस जगह से आया था, गांव से आया था, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था जो उसको खर्चे बताए गए थे, तो नेचुरल सी बात है वो ज़्यादा देर यहाँ रहना भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, ठीक है। और अगर हम उसे भेज देते, कहते कि भाई तू दोबारा ठीक हो के बीपी ठीक करा के आना, तो इस बीच वो रसोली भी बढ़ती चली जाती। ये सब देखते हमने निर्णय लिया कि लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं मरीज का ऑपरेशन। मरीज ने भी कोऑपरेट किया और हमारे स्टाफ ने भी काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट किया और तो अच्छे से हो गया ये। सर, अगर इस मरीज का समय रहते ऑपरेट ना होता जी, तो ये रसोली बढ़ने के चांसेस थे या ट्यूमर बढ़ने के चांसेस थे? और अगर हम बात करें ये हिस्ट्री कितनी पुरानी थी, मतलब इनको कब से ऐसी दिक्कत में, क्योंकि शुरू में तो गांठ के रूप में उभरी होगी, उसके बाद इसने ट्यूमर का रूप लिया होगा। देखिए ऐसा था कि इस रसोली को इस स्टेज तक आते आते 2 साल लग गए थे। इसकी शुरुआत डेफिनेटली छोटी सी रसोली के तौर पर हुई थी, छोटी सी गांठ के तौर पर, जिसे कि मरीज ने इग्नोर कर दिया। 2 साल में होते होते इतनी बड़ी हो गई कि मरीज से गर्दन घुमाने की दिक्कत आने लगी, हमेशा उसी गर्दन झुकी रहने लगी, वो गर्दन को इतनी सीधी नहीं कर सकता था। तो अगर ये मरीज मान लो 6 महीने भी और ना करवाता तो ये और बढ़ जानी थी। और क्योंकि हमारी जो गर्दन है ये एक वाइटल क्रॉसवे होता है ना, क्रॉस रोड्स होती हैं, ये सारी वाइटल नसें और खून की नलियाँ और जो भी हमारी मसल जो हमारे हेड को होल्ड करते हैं वो सारी यहाँ पे हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो लॉन्ग टर्म में ये इसको अफेक्ट कर सकती थी। इसी करके हमने ये निर्णय लिया कि हम मरीज का जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करते हैं। सर, आपने एक सफल ऑपरेट किया जी। आपने एक ऐसा चुनौती को स्वीकार किया जिसमें अक्सर जो डॉक्टर थे वो घबराते हैं, अक्सर लोग घबराते हैं चुनौतियों को स्वीकार करने से। करनाल के सामान्य अस्पताल को अक्सर आमतौर पर ड्रामा सेंटर भी कहा जाता है, रेफर सेंटर भी कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से आपने एक सफल ऑपरेट करके एक व्यक्ति की जान बचा दी, अगर ट्यूमर बढ़ता जाता तो उसकी समस्याएं बढ़ती जाती। अब आप करनाल के सामान्य अस्पताल के, करनाल के स्टाफ के बारे में और अन्य लोगों से करनाल के सामान्य अस्पताल के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम अपनी तरफ से जितना अच्छा कार्य, जितने सीमित संसाधनों में हमारे पास उपलब्ध हैं, हम कोशिश करते हैं उतना बढ़िया से बढ़िया काम करें। समस्या ये होती है जो किसी भी जगह किसी भी सामान्य अस्पताल में होती, भीड़ ज़्यादा है, लोगों की अपेक्षाएँ ज़्यादा होती हैं, तो वो तो हर जगह ही होती हैं, लेकिन तो भी हम यहाँ पे सिविल अस्पताल करनाल में काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो हेड हैं, वो काफ़ी अच्छे से गाइड कर रहे हैं और जहाँ तक संभव है विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज हम काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और मरीज भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। अब ये जो बुजुर्ग जिन सज्जन का हमने ऑपरेशन किया, या जब ये आए होंगे निश्चित तौर पे ये पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, इनको लगा होगा कि ये तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, लेकिन जब ये यहाँ पे आए तो ये भी बड़े संतुष्ट होके गए हैं। तो कोशिश करते हैं इस तरह का काम करते रहें ताकि हमारी भी संतुष्टि बने, लोगों में भी अच्छा संदेश जाए। सर, अगर ये मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते तो वहाँ पर लगभग इनका कितना खर्चा होता और यहाँ पर इनका कितना खर्चा आया? देखिए, इस विषय में मैं तो आपको बता नहीं पाऊँगा कि प्राइवेट में कितना खर्चा होता, लेकिन जो उसका जो मरीज का बेटा था
शेर सिंह, उसने हमें ये बताया था कि जो मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने दो तीन जगह दिखाया था, उन्होंने जो हमें खर्चा बताया वो हमारी हैसियत से बाहर का था, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। एक कारण ये भी था कि जो बुज़ुर्ग सज्जन का जो बीपी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे लगा कि भी इतनी बड़ी बीमारी, इतना बड़ा खर्चा, मेरे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और ये मेरे को लिए लिए घूम रहे हैं, एक कारण ये भी उसका रहा होगा। लेकिन यहाँ पर हमने परमात्मा की कृपा से, आप जैसे लोगों के सहयोग से अच्छे से कर दिया। ये थे डॉक्टर घनश्याम जयवर्धन। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक ऐसा सफल ऑपरेशन किया है जिसको करने से कुछ लोग, कुछ डॉक्टर कतराते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर था। और सबसे बड़ी बात, लोकल एनेस्थीसिया के माध्यम से, लोकल एनेस्थीसिया के माध्यम का कहने का मतलब ये अभिप्राय ये है कि जिस जगह का ऑपरेट किया जाना था उसी जगह को सिर्फ सुन किया गया था, नहीं तो जनरल एनेस्थीसिया में पूरी बॉडी को सुन कर दिया जाता है, उसके 3-4 घंटे के बाद मरीज को होश में लाया जाता है। लेकिन इसमें तो मरीज 3-4 घंटे के बाद खाने पीने भी लग गया था, और ड्यूरिंग ऑपरेशन उसको सब पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, कहां पर उसको चीरा दिया जा रहा है, कहां पर उसको स्टिचेस लगाए जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको यह कहना चाहूँगा कि करनाल का जो सामान्य अस्पताल है, यहाँ के डॉक्टर इससे पहले भी कई सफलतापूर्ण ऑपरेट ऐसे कर चुके हैं जो कि चुनौती भरे थे, लेकिन उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किए। डॉक्टर घनश्याम जयवर्धन ने इससे पहले करनाल में सबसे पहले जो कि एंडोस्कोपी के माध्यम से ऑपरेट करना या फिर दूसरे जरियों के माध्यम से ऐसे ऑपरेट करना कि जिनसे कि लोग घबराते थे, जिनसे कि डॉक्टर घबराते थे, लेकिन इन्होंने डॉक्टर घनश्याम जयवर्धन ने उन सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए लोकल एनेस्थीसिया के माध्यम से एक 60 वर्षीय बुजुर्ग जो कि बीपी की बीमारी से भी पीड़ित था, उसके अंदर फोबिया था ऑपरेशन को लेकर, लेकिन उन्होंने सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उसका एक सफलतापूर्ण ऑपरेट किया। अब वो मरीज यहाँ से डिस्चार्ज हो चुका है और यहाँ पर डॉक्टर को लाख लाख धन्यवाद कहता है। हम समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से एक बार फिर से डॉक्टर घनश्याम जयवर्धन का धन्यवाद करते हैं। मैं तरुण मुदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।